दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि सच्चे प्यार को या अपने पहले प्यार को भुला पाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान जिस फीलिंग्स के साथ पहली बार किसी से टच होता है, एहसासों का सीधा असर उसके मन, मस्तिष्क और दिल पर होता है। इसी कारण कुछ लोग अपने पहले प्यार से या सच्चे प्यार से बिछड़ने के बाद बुरी तरह से टूट जाते हैं या टूट जाती हैं और उसे पाने के लिए तड़पते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए सारी दुनिया ही बेकार लगने लगती है। चलो बताते हैं कि आखिर आप अपने सच्चे प्यार को या अपने पहले प्यार को कैसे भुला सकते हैं या भुला सकती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यह बात सच है कि जब किसी को सच्चे प्यार में धोखा मिलता है या उसका प्रेमी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है या चली जाती है, तो सामने वाले व्यक्ति का दिल टूट जाता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग तो अपने पूरे जीवन में इस दर्द से उबर ही नहीं पाते, यहाँ तक कि अपना सब कुछ बर्बाद भी कर लेते हैं, किंतु दर्द से उबरना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। नंबर वन, दोस्तों एक बात सोचो, दुनिया इतना बड़ा बगीचा है जिसमें एक से बढ़कर एक कलियां और फूल खिले हैं। यदि इतने बड़े बगीचे से कोई एक फूल तोड़ भी ले जाता है या एक फूल टूट भी जाता है तो क्या पूरा बगीचा खत्म हो जाता है? दोस्तों किसी के धोखा देने से या किसी के लाइफ में ना रहने से आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं बल्कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने को कहते हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों आपको एक बात सोचनी चाहिए, आप कोई ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिसके साथ धोखा हुआ हो या आप अपने प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ गए हो, क्योंकि ना जाने कितने प्रेमी जोड़े हर दिन अपने प्यार से बिछड़ जाते हैं या दूर हो जाते हैं, तो क्या वे सभी जीना छोड़ देते हैं? दोस्तों सच्चा इंसान वही है जो अपने पुराने समय को एक सपना समझकर आगे बढ़ जाए। थर्ड नंबर, दोस्तों आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से आप पहले जी रहे थे या जी रही थी उससे अच्छी तरीके से जिंदगी की शुरुआत करें। खैर यह सब कहना तो आसान है परंतु करना कठिन, क्योंकि जिसकी यादों को आप अपने ब्रेन के डीप प्लेस में स्टोर कर चुके हैं उसे निकाल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको जीना ही है तो गम और दुख दर्द की चादर को उतार कर फेंक दें। कुल मिलाकर अगर आप अकेले रहने के आदि हो गए हैं तो इस स्थिति से बाहर निकलें, क्योंकि लोग अपने सच्चे प्यार से बिछड़ने के बाद अक्सर कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ना ही कुछ अच्छा लगता है। तो सोचो जब वह आपकी जिंदगी में नहीं था या नहीं थी तब क्या आप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे या नहीं जी रही थी? फोर्थ नंबर, सबसे पहले आपको एक बात सोचनी चाहिए कि क्या आप समझदार हैं या ना समझ। अगर आप वास्तव में समझदार हैं तो सोचो क्या किसी के जाने से आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे या खत्म कर लेंगे, और इससे आपको हासिल भी क्या होगा। दोस्तों शेष आगे की दिलचस्प जानकारी के लिए इसी आर्टिकल के सेकंड पार्ट को अवश्य देखें।